रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम न रास्ता मालूम न तेरा नाम पता मालूम कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम सीधा भैया आप अभी तक सोई नहीं? हाँ वीर तुम मुझे नींद नहीं आया भैया। वी आपको एक बात बताना चाहती हूँ। क्या भैया? वी आपके सबसे अच्छी दोस्त मिनी ताई कल हमारे घर आने वाले हैं। भाई सच में छोटी भाई आ रही है? अब छोटी नहीं है, अब ये कंपनी को चेयरमैन और मैं उस कंपनी को काम करता हूँ। हमेशा तुम्हारे बारे में पूछता है। वह किसी स्पेशल कोर्स में पढ़ने के लिए इंडिया आ रही है। हमारी बहन होबी दीदी भी कल आएगी। भाई आपने तो कमाल कर दिया, मुझे दो गिफ्ट दिया। भाई सोने को बहुत देर हो गई, चिमनी भाभी आपका इंतजार करती है, तुम जाओ। गुड मॉर्निंग जेके सर। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस ड्रेस में आप बहुत अच्छी सर। मैं जानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ। बदतमीज मुझे क्यों देख रही हो? अब सब क्लासरूम में जा सकती हूँ। वी तुम रुको। क्या जेके सर, तुम्हारी शक्ल देखकर मुझे डर लगता है कि ये क्या करने वाले हो, आपका प्लान क्या है? हमारे दोनों का बेस्ट फ्रेंड आज कॉलेज में आने वाले हो, मेरे कोई भी प्लान नहीं है। तुम डर मत जेके सर, एक आदमी आपने मिलने के लिए आया, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। वहाँ से स्टूडेंट चली जाती है। वी मैं आकर एक बार प्यार से पूछता हूँ, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कुछ हो तो बताओ। कुछ नहीं जेके सर, मेरे पापा ने जेनी के शादी के लिए बात करने के लिए मुझे बुलाया। वी वहाँ से बिना कुछ कहे चली जाती है। जेके ने अपने बेस्ट फ्रेंड मिलने के लिए जाती है। आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम डॉक्टर चा है। हेलो जेके सर, यहाँ नया अवतार किसके लिए? ये औरत कौन है तुम्हें पता है? क्या मुझे पता है? हाँ, हमारे वी बेबी। वी कॉलेज में है? कहाँ है? थोड़ा सा वेट करो, पहले मेरे बात तो सुनो ना। तुमको हमारे लव स्टोरी, पूरा लव स्टोरी पता है ना? हाँ मैं जानती हूँ। जेके ने वी से मुलाकात और हॉस्पिटल में बच्चे के एलर्जी के बारे में सब कुछ डॉक्टर चा को बता दिया। क्या ऐसा हुआ? मुझे समझ नहीं आ रहा है, उस बच्चे को और मुझे कोई तो कनेक्शन है। पागल कहे कि तुमको अभी भी समझ नहीं आया? वी ने तुमने पागल बना दिया। क्या? जब वी सच कहता है कि तुम्हारी दिमाग सही से काम नहीं करा, जरा ध्यान से सोचो। वी आपके लिए कितने क्लू पॉइंट्स छोड़ दिया? मुझे समझ नहीं आता, तुम्हें बताओ ना। हाँ मैं समझाता हूँ, सुनो। फर्स्ट पॉइंट, वी ने अभी तक शादी नहीं की है, इसका मतलब क्या है कि वी दिल में तुम अभी भी है। दूसरा पॉइंट है कि उस बच्चे को वही एलर्जी है जो आपको है, और यह एलर्जी केवल उन लोगों को होती है जिनका खून का रिश्ता होता है। मुझे डाउट है कि हो सकता है कि उनके परिवार में किसी को यह बीमारी हो। नो चांस, मुझे पता है कि उनके परिवार में किसी को भी इस तरह एलर्जी नहीं है। एक सिचुएशन में वी ने खुद से बताया मुझे। तो मतलब क्या है कि 70% वो बच्चा तुम्हारे बच्चा हो सकता है, वास्तव में उनका भाई का बच्चा हो सकता है। नो चांस, क्योंकि शादी के तुरंत बाद वह ऑफिस काम में विदेश चली गया। मैं नहीं जानता है कि तुम कितने होशियार हो। वी के बारे में तुम कितना जानता हो? कैसे, क्या तुम भूल गया मैंने तुमसे पहले प्रपोज किया और वी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुमसे प्यार करती थी?
हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे फिर से एक चांस मिला, ये दोबारा कोशिश कर सकता हूँ, मैं मार डालूंगा। यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में रैब रिपोर्टर हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। मैं तुमसे बाद में बताऊंगा क्या करना है, तुमने मेरे दिमाग खा लिया। तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। डॉक्टर शाह वहां से चली जाता है। जेके सर, आज मुझे छुट्टी चाहिए, यह आपका कॉलेज नहीं है, इसीलिए आप जब चाहिए छुट्टी ले सकती है। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ, अभी हमारे सामने से चल जाइए। भी वहाँ से क्लासरूम में चली जाती है। हाबी बाबी, आप कैसे हैं? आई एम फाइन। मेरी सिस्टर एंड ब्रदर कहाँ है? तुम्हारे ब्रदर ऑफिस, तुम्हारी सिस्टर कॉलेज गई थे बाबी। हे जिमनी, मेरा चेहरा पर पागल लड़की लिखा है क्या? नहीं ऐसा क्यों कहा बाबी? मैं पागल तो नहीं हूँ, मैं आने का इंफॉर्मेशन भी एक दिन पहले फोन करके बता दिया, पर क्यों मेरी भाई बहन मेरे लिए एक दिन भी स्पेंड नहीं कर सकते? बाबी शांत हो जाओ, ये दोनों थोड़ी देर में आ जाएंगी। नहीं, मैं शांत होने वाली नहीं, मुझे पहले रीका कॉलेज एड्रेस बताओ। बासन विलेज, आइडिल रोड, केप अप कॉलेज। ठीक है, मैं जाकर वी को लेकर आती हूँ। इस कॉलेज में भूकंप आने वाले हैं, हे भगवान इसका कॉलेज को रक्षा करो। हाबी दीदी, आप यहाँ वी के लिए आई थी, आप कैसे? मैं अच्छी हूँ वी कहा। लेकिन दीदी, वी को मिलने के लिए एमडी की परमिशन के बिना नहीं मिल सकते। एमडी रूम कहा? राइट साइड फर्स्ट रूम। थैंक्स जिम्मी, हम फिर से घर पर मिलेंगे। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। हाबी दीदी ने डायरेक्टली जेके रूम पर आई। क्या आप नहीं जानते हैं कि किसी के अंदर आने से पहले आपको दरवाजा खटखटाना होगा? तू बदतमीज कहे कि वी तुम्हारी दीदी कॉलेज ही आ गए, जेके सर कैबिन में है, ये दोनों जोर से चिल्ला रहे हैं, तुम जल्दी जल्दी जाओ ना। ठीक है, वी वहाँ से जेके सर कैबिन में चली जाती है। दीदी आप कैसे हो? आज मुझे चिट्ठी नहीं मिला, इसीलिए मैं घर नहीं आई। वी तुम्हारी तबीयत ठीक है? ओह माय गॉड, कितने बुखार है, क्या तुम आज बहुत रोई है क्या? ये सब छोड़ो, हम पहले हॉस्पिटल चलते। मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, चिंता मत करो, वी को कुछ नहीं होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी चलो, जेके वी को हॉस्पिटल ज्वाइन करवाती है। वी के नाम से बेड कहाँ? वी, तुमको कुछ हो जाता तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जिमनी जी, वी को बुखार है, यूनिवर्सल हॉस्पिटल में है। ठीक है, मैं अभी आती। सुगा जल्दी जल्दी चल, हम हॉस्पिटल चलते हैं। क्यों? वी हॉस्पिटल में है, बहुत बुखार है। ठीक है, जल्दी जल्दी चलो ना। रोज आज कॉलेज में क्या हुआ? जेके सर ने वी से कुछ कहा, बाद में वी बहुत रो रही थी। हाबी ने गुस्से में जेके पास आती, हमारे वी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वी रूम से डॉक्टर चा बाहर आते हैं। चा, वी की तबीयत कैसे है? कुछ सीरियस वाली बात है, वायरल फीवर, 24 आवर्स ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। सबसे मेरी वजह से हुआ, सुबह ही चिट्ठी ले ली तो अस्पताल चल जाती है, लेकिन मैं नहीं दिया। चाहे वी की कुछ भी हो जाए, मैं जिंदा नहीं रख सकता, मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। सुगा जिमनी हॉस्पिटल आती है। हाफी दीदी, वी को आप कैसे हैं? योगी हमारे वी का कंडीशन सीरियस है, वायरल फीवर, डॉक्टर ने कहा था है कि ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। जेके सर, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ये टिफिन खाओ ना। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चले जाओ यहाँ से। अच्छा, अब वी का कंडीशन कैसे है? अभी ठीक है, कुछ देर में होश आएगा, चिंता मत करना। मैं वी को देख सकती हूँ? ओके, आई अंडरस्टैंड योर पेन, बट पेशेंट को डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, जेके वी के रूम चल जाते हैं। वी निशा में परोशन कर रही है, क्या है कि कुकी आई लव यू,
तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। जेके उस समय में वी के रूम में आता है। आई लव यू तू मेरी जान, शांत हो जाओ, सो जाओ। जेके वहाँ से चली जाती है। वी को पूरा होश आ जाता है। हॉस्पिटल में वी ने ज्वाइन करने के लिए थैंक्स अभी, तुम जा सकती हो। एक बार वी को होश आने के बाद चले जाऊंगा। प्लीज मैडम, जेके तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अभी तुम जाओ, मैं बाद में मिलूंगा। वी तुमने देखने का नहीं चाहती हूँ, इसीलिए तुम जाओ, मैंने सीक्रेटली वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा। प्लीज, ठीक है मैडम, यही मेरी फोन नंबर है, मैं वेट करूंगा तुम्हारे कॉल के लिए। मैडम नहीं, दीदी केक कर बुलाओ, ठीक है? ठीक है दीदी, मैं चलता हूँ। वी ने याद है तुमको अच्छी तरह से। अच्छा, 3 साल हो गए तुमने एक कॉल भी मुझे नहीं करी। मैंने नहीं किया तो तुम कर सकती हो ना? कर सकती हूँ माता रानी, लेकिन तुम नंबर चेंज किया भूल गया क्या? ये अस्पताल में तुम क्या कर रही हो? हेलो झांसी की रानी, मैं अस्पताल में लैब रिपोर्टर हूँ और डॉक्टर भी हूँ। ठीक है, बाद में कर लेंगे, तुम रेस्ट करो, अभी भी तुमको रेस्ट बहुत जरूरी है। तो मुझे भी ताकत नहीं है, बाद में बात करती हूँ। ठीक है, कल मॉर्निंग हम मीटिंग पक्का है झांसी की रानी। ठीक है, बेवकूफ यहाँ से चली जाइए ना, मुझे सोना चाहिए। डॉक्टर अच्छा वहाँ से चली जाता है। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग दीदी, आप कैसे लगा तुम्हारी तबीयत? ठीक है दीदी, हमारी प्यारी बहन क्या कहूंगी? दीदी अभी नहीं, बाद में कहूंगी। जिन्हें छुप छुप करके वीडियो कॉल करते हैं, जेके को दिखाती है। मेरी झांसी की रानी कब आएगी मेरे पास? भाभी इस बार क्यूटी को लेकर आओ, एक बार भी मिस्टर क्यूट को असली नाम से बुलाओ ना, ठीक है? तुम्हारे लिए एक बार बुलाती हूँ भाभी। हमारे क्यूट कुकी क्या करती है? जेके ये नाम सुनकर आंखों से आंसू आती है। बाद में वीडियो कॉल कट हो जाती है।